हाँ उन लोग का जीडी का कॉल आ गया, वो लोग जाने वाले हैं, तो उन लोग के साथ ही हम लोग को बिठाया गया था। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग गाइस, और क्या हाल चाल। तो सुबह सुबह उठ गया, जैसे आज बताया आज जीडी के लिए भी जाना है, तो सबसे पहले वही वापस से न्यूज़ पढ़ते हैं, थोड़ा मैगजीन आ गया होगा, मैगजीन पढ़ लेंगे और फिर अंकित के रूम पे जाके थोड़ा सा अगर टाइम मिला तो वो कैब कर लेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट जीडी के लिए निकल जाएंगे। चले आते हैं टेबल पर। आज लड़का पकड़ा गया है सोते हुए। कैसे हो गया तुम इतना लेट? 4 बजे 6 बजे 30 हो गए। वाह, बारिश हुआ था क्या? बारिश तो नहीं, सुबह हवा चल रहा था। वाह, गर्मी आ गया है। अभी वापस आ गया है, खाना वान सारा हो गया अंकित के रूम से। और जैसा बताए थे लास्ट में कि आज जीडी का क्लास था। जीडी का क्लास मतलब ऐसे नॉर्मल हर वीक, बोला मैं पहले था कि मंथली होगा, अब हर वीक हो रहा है, मतलब हर वीक में एक बार होगा। तो सॉरी, तो आज जो जीडी हुआ तो उसमें बेसिकली जो लोग ऑलरेडी जिनको आईएम्स का कॉल आ चुका है वो लोग का इंटरव्यू है, तो वो लोग हाँ उन लोग का जीडी का कॉल आ गया, वो लोग जाने वाले हैं, तो उन लोग के साथ ही हम लोग को बिठाया गया था कि कैसे जीडी में बोलना होता है, कैसे इनिशिएट करना होता है, किसी भी टॉपिक्स पे क्या बोल सकते नहीं बोल सकते, तो सारा डिस्कशन हुआ। तो बहुत सारे टॉपिक्स पे बात हुआ, जैसे टॉपिक था हाँ बहुत सारे रिसेंट टॉपिक पे बात हुआ, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, इज इंडिया डिजिटल कंट्री, बींग ह्यूमन, बजट डिस्कशन हुआ, इज रीजन रीजनल सिनेमा ओवरशैडोइंग बॉलीवुड गोइंग इन टू अ कॉर्पोरेट वेंचर, ऐसे करके बहुत सारा। वाई एम बी ए, ये वाई एम बी ए तो मतलब वो इंटरव्यू वाला क्वेश्चन था। अभी जैसे जो भी करंट टॉपिक चला, जैसे पेटीएम क्राइसिस, इंडिया एज अ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, हाउ, एंड एक और टॉपिक था हाउ इज आई पी एल कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियन इकोनॉमी, मतलब जो भी अपने बायोडाटा में जैसे तरह से भी है, जो भी अपना हॉबी बताए तो उस तरीके से वो लिखा हुआ था। पूछ मतलब मैम ने बोला कि पूछा जाएगा, अगर आप जिस भी सिटी से हो तो उसके बाद फेमस पॉइंट अबाउट योर सिटी एंड ऑल, तो ये सारा डिस्कशन था। तो फिर जीडी, तो मैम ने बताया अगर सपोज एक जीडी में जो भी इनिशिएट करता है पहला, पहले बोलता है मतलब फर्स्ट, तो वो मार्क्स मिल सकता है, एक प्लस पॉइंट रहता है कि जो भी इनिशिएटर रहता है उसको एक मार्क्स मिल सकता है। और जब भी आप जीडी में बैठे हो तो जैसा बताया कि कभी ना ऐसा फील नहीं होना चाहिए पैनलिस्ट को कि आप डोमिनेंस करके पूरा बोलो, आप बोलो, फेवर में बोलो, अपोज में बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव बोलो, बट ऐसा ना हो कि आप पूरा डोमिनेंस करके बोल रहे हो, कोई बोल रहा है तो उसका बात काट दो। अगर आप कोई सामने से बोल रहा है आप उसका बात काट के बोलोगे तो वो आपके लिए नेगेटिव मार्क्स हो सकता है। तो ये सर आज पहला था, मजा आया। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था ऐसा जीडी में कभी बैठना, क्लास गए था मेरा, जो हम लोग तो न्यू बैच के थे तो हम लोग का था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, बोले ठीक ठाक बोले, मतलब हम बोलने से पहले कुछ कुछ ऐसे जैसे प्लेटफॉर्म है क्या क्या हो गए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, और फिर जैसे ये लिख दिए थे इम्पैक्ट क्या क्या है, लाइक शेयरिंग ऑफ व्यूज एंड थॉट्स वर्ल्ड वाइड, फिर बैड इम्पैक्ट क्या है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड, मतलब कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाना, स्कैम हो जाना, न्यूडिटी एंड ऑल, फिर उसका कंक्लूजन क्या है, मतलब इस तो वही सब बताया कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस कि कैसे कंज्यूम करते हैं उसको, उसका क्या, क्योंकि बहुत लोग तो उससे पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो यही सब था, तो मज़ा आया। और हर वीक होगा, हर वीक कुछ ना कुछ नया ये होगा, तो आपको ऐसे डिटेल्स देते रहेंगे, क्योंकि मैम ने बोला कि ठीक है अगर आप सिलेक्ट तो हो गए हो और लास्ट के एक दो मंथ में प्रिपरेशन करना जी डी या पी आई का, तो थोड़ा प्रेशर आ जाता है कि करना है करना है करना है। और नॉर्मली जैसे बिहार का ले ले, यूपी का ले ले, यूपी मतलब ले, तो हम लोग में वैसा इंग्लिश बोलने वाला कल्चर नहीं होता है, घर में नहीं बोलते वैसा, या फिर दोस्तों के साथ वैसा नहीं बोलते, तो एक थोड़ा सा वो ऐसा नहीं कि नॉलेज का कमी है, बोल नहीं पाते, बोलने का तो बहुत, तो वो हैबिट नहीं होता है तो नहीं बोल पाते, तो इस वजह से थोड़ा सा अभी से प्रैक्टिस करने से वो सही हो जाएगा, वो कैब सही हो जाएगा, ऐसा नर्वसनेस वाला फील नहीं आएगा, हेजिटेशन नहीं आएगा, तो सही था। अगली बार फिर से जीडी में जाएंगे नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे जब भी होता है, फिर देखते हैं क्या डिस्कशन, तो और सीखने को मिलेगा। ठीक ठाक ही बोले 2-3 मिनट, हम भी बोले सही था, थोड़ा सा तो स्टार्टिंग में लग रहा था, फिर आगे और प्रैक्टिस करते करते सही हो जाएगा।
और अब शुरू करते हैं क्वांट, थोड़ा सा पढ़ना है क्वांट कब लास्ट टाइम छूटा हुआ था, तो क्वांट शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे फिर चले कंटिन्यू करते हैं। बज गया अभी मतलब 5 मिनट कम है, 8 बजने में लगभग वही कितने 3 बजे के आसपास बैठे थे, तब से नंबर सिस्टम ही कर रहे हैं। आग बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा, सोए भी नहीं, पहले सोचे थोड़ा सो ले, फिर चाय पीने का सोचा, बोले तुरी दम में थे तो चाय भी नहीं पिए, सोचे बाद में पी लेंगे। अब नींद आने लगा, अब अगर नहीं उठे तो फिर नींद आ जाए, बट मज़ा आया। नंबर सिस्टम में बेसिक्स एकदम कर रहे थे, अभी क्वेश्चन आज नहीं बना रहे थे, थोड़ा सा बेसिक में इशू आ रहा था, तो जैसे स्क्वायर याद करने से अच्छा है कि उसका जो ट्रिक्स वगैरह था कैसे उसको सिंप्लीफाई करके ये कर सकते हैं वो अभी पढ़ रहे थे, फिर डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे, तो ये सब स्क्वायर रूट वगैरह था ये सब पढ़ रहे थे, मज़ा आ रहा था। मतलब जो ये चार्ट में दिया हुआ है तो इसको याद करने से बेटर इसका सिंप्लीफाई करके दिया हुआ था कि आखिर में सपोज यूनिट डिजिट अगर 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 7 रहता है, 9 रहता है, तो लास्ट में यही सब तो होता ही है, तो कैसे कि उसको उसका स्क्वायर बना लेंगे या फिर क्यूब रूट बना लेंगे, तो ये फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो मज़ा आया करने में। अभी और बाकी है, अभी आज इसको ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को, उसके बाद फिर सोएंगे, क्योंकि आज नंबर सिस्टम सोच रहे ऑलमोस्ट ख़त्म कर दे, क्योंकि हम डेली डेली इसको तो लेके बैठ नहीं सकते, फिलहाल जा रहे हैं, अब पहले जाएंगे चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, फिर खाना बना खाना खा पी के वापस आएंगे, फिर थोड़ी देर बैठते हैं, तो चले आते हैं बैक टू अपने रूम। अभी खाना पीना हो गया हम लोग का, मस्त खा लिए गाजर का, और लास्ट बचे का वो भी खा लिए, मजा आ गया। और अब सोच रहे हैं सोएंगे तो नहीं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, 5 मिनट रुक के, 5 या 10 मिनट रुक के बैठते, थोड़ा 2-3 टॉपिक और बचा है नंबर सिस्टम का, उसको कंप्लीट करते हैं। चले अभी वापस से शुरू कर रहे हैं इसको, बट इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी और चाहिए, तो थोड़ा सा वीडियोस वगैरह देख लेते YT पे, जो भी 1-2 वीडियोस मिलेगा, उसके बाद इसका एक प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करेंगे। आज नंबर सिस्टम कोशिश रहेगा कि ख़त्म कर दे, बट वही है ज़्यादा रात तक जगना भी नहीं है, एक 1.5 घंटा मैक्सिमम, 12 बजे से पहले अगर ख़त्म हो जाता है तो अच्छी बात है। तो और JD का तो आपको बताइए, ऐसे ही और आगे जो भी मिलेगा, वैसे आपको जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरे से ये फॉर्मूला चार्ट मांगते हैं कि मेरे को ये भेज दो, तो ठीक है ये तो सेंड कर देंगे, बट इसके साथ साथ आपको ये कैसे एक्यूरेट ये नंबर कैसे आ जाता है, कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये भी एक वीडियो में आपको प्रॉपर बता देंगे, तो ये इजी हो जाएगा याद करने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आज के लिए टाटा बाय बाय।